नीट यूजी बिग अपडेट। एमसीसी ने एसटी वैकेंसी राउंड के योग्यता नियम बदले, एमबीबीएस सीट ऐड। नीट 2025 से बाहर होंगे छात्र, कौन बाहर होंगे, क्या होंगे, हम लोग एक एक करके डिटेल जानेंगे। नए तो मेरा चैनल को लाइक शेयर कीजिए और मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या बिग चेंजिंग हुआ है। एमसीसी ने एसटी वैकेंसी राउंड के योग्यता नियम बदले, एमबीबीएस सीट एक्ट। देखिए क्या क्या हुआ है, टोटल हम लोग डिटेल जानेंगे। मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी एमसीसी ने नीट यूजी काउंसिलिंग के एसटी वैकेंसी राउंड के लिए पात्रता नियमों में संशोधन किया है। इसके अलावा एमसीसी ने अदालत के आदेश की पालना करते हुए एक सीट भी जोड़ी है, एक्स्ट्रा एक सीट भी जोड़ा गया। एसटी वैकेंसी राउंड में कोर्ट के आदेश के बाद श्री लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कुड्डापकम पोस्ट बिलियानूर पुदुचेरी की एक सीट को शामिल किया गया है। इसके अलावा एमसीसी ने सभी राज्य काउंसिलिंग अथॉरिटी को एक अहम नोटिस जारी कर कहा है कि वे सभी राउंड में ज्वाइन करें और सभी राउंड में ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट का डाटा 25 अक्टूबर शाम 5 बजे तक शेयर करें, ताकि किसी राज्य में सीट ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट को ऑल इंडिया कोटा स्ट्रे राउंड वैकेंसी सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया से पहले लिस्ट हटाया जा सके। यानी ये जो है एमसीसी काउंसिलिंग अथॉरिटी एक अहम नोटिस जारी किया है, सभी को कहा है कि राय सभी राउंड में सभी ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट का जितना राउंड हुआ सभी का 25 अक्टूबर शाम 5 तक उसको डाटा मांगा गया था और शेयर करने के लिए कहा गया था और सबको दे दिया गया। कहने का मतलब कि उससे क्लियर हो जाएगा और उस सबको वहाँ से हटा दिया जाएगा, स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटा स्ट्रे वैकेंसी राउंड सेटलमेंट पर पहले लिस्ट को हटाया जा सके। एमसीसी नीट यूजी काउंसिलिंग एसटी वैकेंसी राउंड की पात्रता का क्या क्या नियम है उसको हम लोग जानेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास ऑल इंडिया कोटा या राज कोटा में कोई भी सीट नहीं है, वे एमसीसी नीट यूजी एसटी वैकेंसी राउंड में भाग ले सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने राउंड 3 में एमसीसी की ओर से अलॉट की गई सीटों को ज्वाइन नहीं किया था, वे इस राउंड में हिस्सा लेने के लिए योग्य नहीं है। जिसको अलॉटमेंट हो गया था और नहीं गए वन यानी उसमें ज्वाइन नहीं किए तो उनको नहीं मिलेगा। हालांकि एमसीसी राउंड 3 में जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया हुए अभ्यर्थी राज्य यूजी काउंसिलिंग में भाग ले सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने पहले राउंड में राज कोटा को सीटों का ज्वाइन किया है वे इस राउंड में भाग लेने के लिए पात्र नहीं है। देखिए राज कोटा में जो ज्वाइन किया वो भी नहीं लगे। जो अभ्यर्थी एसटी वैकेंसी राउंड में आवंटित सीटों को ज्वाइन नहीं करेंगे उनकी सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली जाएगी तथा ऐसे अभ्यर्थियों को अगले वर्ष यानी 2025 के लिए नीट परीक्षा देने से भी वंचित कर दिया जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा, जो अभ्यर्थी एसटी वैकेंसी राउंड में आवंटित सीटों को ज्वाइन नहीं करेंगे उनकी सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली जाएगी और 2025 नीट के लिए हुए वंचित कर दिए जाएंगे। यानी 2025 में आप परीक्षा अप्लाई नहीं कर सकते हैं, नीट में बैठ ही नहीं सकते हैं। एमसीसी द्वारा आयोजित राउंड 3 के शामिल अभ्यर्थियों का डेटा स्टेट काउंसिलिंग अथॉरिटी के पास साझा किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों को स्टेट कोटा काउंसिलिंग में हिस्सा लेने से वंचित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी राज कोटा सीटों के काउंसिलिंग से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए राज काउंसिलिंग अथॉरिटी अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। नीट यूजी एसटी वैकेंसी राउंड काउंसिलिंग 2024 राउंड के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर, यस तो हो गया, एंड हो गया। चॉइस फिलिंग और लॉक करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर, ये भी खत्म हो गया। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 29 अक्टूबर 2024 को आएगा। अलॉट हुए कॉलेज में रिपोर्टिंग और जॉइनिंग 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2024 तक करना होगा। दोस्तों ये था आपका बिग अपडेट, यानी एसटी वैकेंसी राउंड में जो पहले भाग ले चुके हैं चाहे कोई भी स्टेट कोटा चाहे ये ऑल इंडिया कोटा और भाग लेके कोई किसी में ज्वाइन नहीं किए हैं वो भी भाग नहीं ले सकते हैं। यानी बहुत बड़ा बिग अपडेट है, जिसका किसी में नहीं हुआ है वही भाग ले सकते हैं। तो ये बिग अपॉर्चुनिटी है, इसलिए इसको देखिए और होता है तो अच्छा बात है, तो इसको लगिए
तो जय हिंद, जोहार झारखंड।